Hello and welcome everyone. Welcome to India's largest online learning platform GridUp. Hello and welcome. तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज एन ओवरव्यू ऑफ पेंटिंग इन बिहार. बिहार में चित्रकला का एक अवलोकन करने वाले हम लोग. जितने भी चित्रकलाएं हैं जो कि बिहार क्षेत्र में जो जो बिहार राज्य में भारत के बिहार राज्य में प्रेवलेंट है उन सभी चित्रकलाओं के बारे में आज हम आपसे यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस लेक्चर को जो कि है बिहार राज्य में चित्रकला का एक अवलोकन. अब देखिए है क्या कि जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार कई बार बता चुका हूं बिहार पढ़ाते वक्त कि बिहार जो एक राज्य है वो काफी रिच है ना. कल्चर के मैटर्स में बहुत ज्यादा रिच स्टेट है कल्चर. या हम बात करें कि अगर हम संस्कृति की बात करें तो संस्कृति के क्षेत्र में बहुत ज्यादा जो है रिच स्टेट है आपका बिहार. रीजन क्यों? क्योंकि देखें हमारी जो सभ्यता रही है वो एक तो युगो युगांतर पुरानी है ना. उसके अलावा अगर हम देखें तो जब मानव जाति ने थोड़ा बहुत मॉडर्न फॉर्मेट लिया या मानव जाति ने जब जो है मानव की तरह जीना शुरू किया आधुनिक मानव की तरह जीना शुरू किया तो आपको याद होगा कि सबसे पहला जो साम्राज्य बना था वो मगध में बना था और मगध बहुत दिनों तक सदियों तक जो है वो केंद्र रहा है. किसका वो केंद्र रहा है? भारत की सत्ता का केंद्र था. उसके अलावा फिर मगध के अलावा बहुत सारे ऐसे वंश आए हैं जिन्होंने मगध को या बिहार को केंद्र बनाया है क्योंकि मगध भी बिहार में ही है. उन्होंने बिहार को केंद्र बनाया बहुत सारे वंशों ने. फिर जब अंग्रेज भी आए तो अंग्रेजों ने भी क्या किया कि जो है बिहार को केंद्र बनाया है ना. सबसे पहले अगर आप देखें तो बंगाल और बिहार वाले इलाके को ही अंग्रेजों ने भी कब्जे में लिया था. तो इस कारण से जो है बहुत सारी हम आपको विविधता और रचनात्मकता जो है आपको बिहार में देखने को मिलती है और जो बिहार के उत्पाद है उनका डिमांड जो है वो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे भी है. तो सबसे पहले देखते हैं जो सबसे ज्यादा फेमस पेंटिंग है बिहार की उसको मधुबनी पेंटिंग कहते हैं. क्या कहते हैं? मधुबनी पेंटिंग. रोज शाम को 6 बजे बिहार स्पेशल एक क्लास होती है जो कि यही यूट्यूब पे होगी. बाकी कैसे क्लासेस आप लेंगे उसकी डिटेल्स मैं अभी आपको लास्ट में लेक्चर के एंड में देता हूँ. ठीक है. तो मधुबनी पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं है ना. क्यों मिथिला पेंटिंग कहते हैं? क्योंकि बिहार का जो मिथिला वाला इलाका है वहां की महिलाएं ज्यादातर पारंपरिक शैली में मधुबनी पेंटिंग या मधुबनी चित्रकला को परफॉर्म करती हैं. ठीक है. फिर इसका विषय वस्तु क्या होता है? जब भी आप कोई चित्र बनाते हो, अगर आप भी चित्र बनाते हो, आप में से बहुतों ने बहुत चित्र तो नहीं बनाए होंगे, पर जब क्लास में आप पीछे बैठ के पढ़ रहे हो और आपका पढ़ने में मन ना लग रहा हो या टीचर आपको पका रहा हो तो आप अपनी रफ कॉपी में कम से कम उस टीचर का चित्र तो बनाया होगा. ये कार्यक्रम तो हर एक व्यक्ति ने किया होगा. तो वो जो चित्र जो आपने बनाया तो उस चित्र का बेसिक उस चित्र का वो क्या था, थीम क्या थी या उस चित्र का विषय क्या था, वो शिक्षक था जो आपको पढ़ा नहीं पा रहा था या जिसकी कक्षा में आप पढ़ना नहीं चाह रहे थे तो आप पीछे की बेंच में बैठकर उसकी चित्रकला बना रहे थे है ना. तो वैसे ही इस मधुबनी पेंटिंग का भी कुछ ना कुछ थीम है और वो थीम क्या है या उसकी वस्तु विषय वस्तु क्या है, उसमें सूर्य चंद्रमा और भारतीय देवी देवताओं को जो है मधुबनी पेंटिंग में बनाया जाता है. ठीक है. बनती कैसे है? तो जो आपकी आपका जो धान होता है ना, राइस चावल, तो चावल का की लेई बनाते हैं, चावल की लेई या चावल की का पेस्ट बनाते हैं और उसके बाद फिर क्या कहते हैं उसका इस्तेमाल करके जो है चावल की लेई से इन चित्रकला को बनाया जाता है. और जनरली ये कब बनाए जाते हैं? जब शादी विवाह उत्सव इत्यादि होते हैं तो उसी समय मधुबनी पेंटिंग जो है वो की जाती है ना. तो जब ये शुरू की गई थी या ट्रेडिशनली आजकल जहां भी होती है तो जो मिट्टी की ताजी ताजी क्या कहते हैं पेंटेड वॉल होती है, जो नई मिट्टी की दीवार जिसमें नई नई जो है वो की गई हो, लेप लगाया गया हो, उसी में जो है ये की जाती है. लेकिन आजकल अब आपको ये कपड़े कागज और कैनवस पे भी देखने को मिल जाती है कौन सी आपकी मधुबनी पेंटिंग. ठीक है. जो सबसे यूनिक फीचर है, सबसे विशेष क्या कहते हैं विशेषता है, वो ये है कि इसमें कोई भी स्थान या कोई स्पेस नहीं छोड़ा जाता. ठीक है. और अगर कहीं पे कोई स्थान रह जाता है ये चित्रकला को करते हुए तो वहां पे या तो पशु पक्षी जानवर फूल पत्ते या किसी तरह का जो है आपका ज्यामितीय रचना या ज्योमेट्रिक कोई ना कोई वहां पे एंगल बना दिया जाता है. ठीक है. गुड इवनिंग सभी को. इसको GI टैग या भौगोलिक संकेतक भी मिला हुआ है ना. और जो कुछ मिथिला के फेमस पेंटर्स हैं उनमें महासुंदरी देवी, श्रीमती भारती दयाल, गंगा देवी, यमुना देवी, शांति देवी, लीला देवी, सीता देवी है ना. ये लोग कौन है? ये लोग कुछ जो है इंपॉर्टेंट लोग हैं और ऐसा माना जाता है या ये लोग जो है इस चित्रकला में बहुत ज्यादा
निपुण है, नाम जरूर याद रखिएगा, है ना। और ये माना जाता है कि रामायण कालीन है ये, है ना, रामायण काल से जो है ये जो आपकी मधुबनी पेंटिंग है वो फेमस है ना। देखो एक काम करना, प्लीज इस सेशन को लाइक और शेयर कर दो, दिस इज द लीस्ट यू कैन डू फॉर मी। गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को गुड इवनिंग है, ठीक है। और ये जो फेमस, बहुत ज्यादा फेमस सवाल है कि मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है, मतलब ये सवाल अगर मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने यूपीएससी दिया है, मुझे यूपीएससी में मिला, मैंने एमपीपीएससी दिया है, एमपीपीएससी में मिला, मैंने यूपीपीसीएस दिया है, मुझे यूपीपीसीएस में मिला, मैंने आरएएस दिया है, मुझे आरएएस में मिला, और बीपीएससी ने तो पूछा ही है। तो इतने सारे एग्जाम्स ने ये सवाल एटलीस्ट तो पूछ ही डाला है कि मधुबनी पेंटिंग कौन से राज्य से संबंधित है, है ना। तो आप बिहार राज्य से ही है तो आपको एटलीस्ट इसके बारे में बहुत सारी बातें पता होनी चाहिए, है ना। चलिए अगली बात करते हैं। और ये एक वो है, छोटा सा मैंने एक फोटो लगा रखी है, मधुबनी चित्रकला किस तरह से की जाती है या क्या उसकी रूपरेखा होती है। चलिए अब बात करते हैं मंजूषा पेंटिंग की, है ना। मंजूषा पेंटिंग जो है वो भागलपुर इलाके में जो है प्रैक्टिस किया जाता है, और लगभग माना जाता है कि ये 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से है, है ना, 7 सेंचुरी पुरानी है ये, ठीक है। इसको स्क्रॉल पेंटिंग या अंगिका कला, है ना, स्क्रॉल पेंटिंग या अंगिका कला भी जो है कहा जाता है, ठीक है। फिर मंजूषा पेंटिंग इसलिए फेमस है क्यों, क्योंकि इसको मंजूषा पेंटिंग भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो है सांपों के मोटिफ्स यानी सांपों का चित्रण, सांपों का रूपांतरण ज्यादा किया जाता है मंजूषा पेंटिंग में, इसीलिए इसको स्नेक पेंटिंग या सर्प चित्रकला भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि मंजूषा चित्रकला को सर्प चित्रकला भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्प चित्रकला भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक जो बांस का बक्सा होता है, है ना, बांस का एक बक्सा होता है उसको मंजूषा बक्सा कहते हैं, ठीक है। और ये जूट के पायल और कागज से बने मंदिर के आकार के बक्से होते हैं, है ना। इसमें बिहुला की कहानी बताई गई है, जिसमें बिहुला के पति को सर्पदंश लग जाता है और वो देवता के क्रोध से अपने पति की रक्षा करती है ना, तो उसी कहानी को दर्शाती हुई ये मंजूषा आपकी चित्रकला है, ठीक। ये है आपकी मंजूषा चित्रकला, जिसमें ये देखिए एक बक्से स्वरूप है, ठीक है, यहाँ पे ये भोलेनाथ बने हुए हैं और ये सर्प बना हुआ है। तो ये वही जो बिहुला की कथा है कि बिहुला कैसे अपने पति को सर्पदंश से बचाती है, तो उसी का जो है विवरण इसमें मंजूषा चित्रकला में दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला है मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग या पांडुलिपि चित्रकला। पांडुलिपि चित्रकला का जो विस्तार हुआ है वो पाल समय में हुआ है, जिस वक्त पाल वंश शासन कर रहा था तब ये पांडुलिपि चित्रकला विकसित हुई, है ना। और इसमें जो है इसका जो मेन थीम है वो गौतम बुद्ध है, है ना। इसका जो मेन आइडियोलॉजी है वो कौन है, गौतम बुद्ध है ना। इसमें जो गौतम बुद्ध की जीवन से जुड़े हुए सीन्स, है ना, किसके जुड़े हुए सीन्स और उनके प्रीवियस बर्थ के बारे में बताया गया है, ठीक है। और इसमें जो कलर्स जनरली यूज होते हैं उसमें लाल, नीला, सफेद और काला, इसके अलावा हरा, वायलेट और बाकी जो जैसे हल्का हल्का जो है आपका गुलाबी और ग्रे कलर्स भी जो है वो यूज किए जाते हैं पेंटिंग्स बनाने के लिए, ठीक है। और ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग्स है ये जनरली जो है आपके ताड़ के पत्तों में बनाई जाती है, ठीक है, और पांडुलिपियों के रोगन के लिए लकड़ी की जिल्द पर बनाते हैं ना, ताड़ के पत्ते में, फिर पांडुलिपियों के रोगन के लिए लकड़ी की जिल्द पर बनाई जाती है ये आपकी पांडुलिपि चित्रकला, ठीक है। फिर जो सबसे अलग इसका जो अनूठी विशेषता है वो ये है कि इसमें डेलिकेट लाइंस या बारीक रेखाओं का इस्तेमाल होता है, ठीक है, डेलिकेट लाइंस या बारीक रेखाओं का इस्तेमाल होता है, लीनियर एंड डेकोरेटिव पैटर्न्स, ठीक है, रैखिक और सजावटी प्रतिरूप जो है इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, और बहुत ज्यादा टेक्निकल स्किल्स चाहिए इस पेंटिंग को जो है इजिली शो करने के लिए, बहुत आसान नहीं होता है पांडुलिपि चित्रकला को कर पाना। ये एक पांडुलिपि चित्रकला का एक उदाहरण है, ये आपके समक्ष है, ये आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा इसमें टैलेंट चाहिए होता है। फिर अगला है पटना कलम चित्रकला, है ना, इसको पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग भी कहते हैं या कंपनी पेंटिंग भी कहते हैं, ठीक है। ये जो पटना कलम है इसका इसके उद्गम के पीछे का इतिहास काफी रोचक है, क्योंकि ये जो मुगल चित्रकला है उसका ही एक रूप है ना, मुगल चित्रकला का एक ही रूप है।
अभी क्लियर हो गया होगा, थोड़ी देर के लिए बफरिंग होने लगी थी। चलिए, तो हम पटना कलम चित्रकारी की बात कर रहे थे, तो जिसको पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग या कंपनी पेंटिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पटना कलम जो है, ये जो मुगल पेंटिंग थी, मुगल पेंटिंग का ही जो है क्या है, एक ब्रांच है पटना कलम। जैसा मैंने आपको बताया कि हुआ क्या कि जब तक शाहजहां और जहांगीर जैसे बड़े बड़े राजा थे, तो उन सब ने चित्रकारों को बहुत ज्यादा तवज्जो दी, बहुत ज्यादा तरजीह दी, और चित्रकारी अपने उम्दा दौर तक पहुंची। पर औरंगजेब के आने से जो है क्या हुआ, चित्रकारी को हास हुआ। फिर चित्रकार बेचारे जो है वो छोड़ करके पहुंचे मुर्शिदाबाद। उनको मुर्शिदाबाद में भी जो है ठिकाना नहीं मिला, क्योंकि मुर्शिदाबाद में भी जो है समस्याओं का अंबार लग गया एक के बाद एक। जैसे ही आपके क्या कहते हैं सिराजुद्दौला आए, सिराजुद्दौला के बाद मीर कासिम, मीर जफर, फिर मीर कासिम, फिर जो है ये अंग्रेज आ गए, तो समस्याएं बनी रही, है ना। तो फाइनली क्या हुआ कि वो उनको छोड़कर मुर्शिदाबाद भी आना पड़ा, और ये पटना के आसपास के इलाकों में जो है सेटल हो गए, और धीरे धीरे फिर सेंटर्स बने पटना, दानापुर और आरा। किसके बने? पटना कलम पेंटिंग्स के। अब हुआ ये कि इनको कोई रजवाड़ा तो पेट्रोनेज दे नहीं सकता था, तो इनको पेट्रोनेज दी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, है ना, और एक नई यूनिक फॉर्म ऑफ पेंटिंग डेवलप हुई, जिसको पटना कलम पेंटिंग जो है वो कहा गया, ठीक है। और इसका जो क्या कहते हैं, एक जो सब्जेक्ट मैटर था या जो इसका थीम था, उसमें कॉमन लोग थे, है ना, बाजार के सीन बनाए उन्होंने, लोकल रूलर्स के बारे में बनाया, लोकल त्योहारों को दर्शाया, लोकल सेरेमनीज को दर्शाया, ठीक है। और जो कलर्स इसमें इस्तेमाल हो रहे थे वो जो है किससे निकालते थे, ये लाइक पौधों से, छालों से, फूलों से और धातुओं से ये कलर निकाल करके ये पेंटिंग्स बनाया करते थे, है ना। और ये जो जनरली पेंटिंग ये लोग बनाते थे वो किस बनाते थे, या तो ग्लास पे या माइका पे या आइवरी या हाथी दांत की चादरों पर जो है ये पेंटिंग जो है पटना कलम बनाई जाती थी, ठीक है। फिर जो यूनिक फीचर था वो ये था कि लैंडस्केप फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड वर नॉट पेंटेड, है ना, यानी परिदृश्य अग्रभूमि और पृष्ठभूमि का चित्रित ना होना, प्लेन हुआ करती थी, ठीक है। और इसके जो कुछ फेमस पेंटर्स हैं उनमें शिवदयाल, शिवलाल, सेवक राम, हुलास लाल, महादेव लाल और ईश्वरी प्रसाद वर्मा जी हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ज्यादा आप देखेंगे तो बैकग्राउंड वगैरह का जो है इतना इस्तेमाल नहीं किया है। फोर फ्रंट में जो है कौन है, आपका जो मेन थीम है घोड़ा, और उस चैरिटियर में जो पीछे बैठा हुआ रईस आदमी है और वो जिसको चला रहा है, तो दैट वॉज दी मेन थीम, बाकी जो हैवी वर्क नहीं होता था, ठीक है। तो दिस इज पटना कलम पेंटिंग। फिर आखिरी है थंका स्टाइल, है ना। थंका स्टाइल बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म से प्रभावित है, है ना। इसमें जातक कथाएं और जो तिब्बत भिक्षु हैं और उनके जो क्या कहते हैं प्रवचन देते, उनको प्रवचन देते हुए दिखाना, यही सब मेजर थीम है किसका, थंका स्टाइल का। और इसके जो इंपॉर्टेंट जो है क्या कहते हैं आपके थंका स्टाइल के जो पेंटर्स रहे हैं, उसे बटुकेश्वर नाथ श्रीवास्तव, उपेंद्र महारथी, दिनेश बख्शी, है ना, ये सब फेमस पेंटर है किसके, आपके थंका शैली के या थाका शैली के, ठीक है। और ये एक ये थाका शैली की पेंटिंग है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं, है ना, संभवतः गौतम बुद्ध हैं, और उनके आसपास अन्य बौद्ध भिक्षु बैठ के शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं, और वो पूरा जो है बौद्ध का एटमोस्फियर बना हुआ है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें पूरा जो है गौतम बुद्ध पे ही आधारित थी है आपकी जो है थाका स्टाइल की, जो है थाका शैली की जो है चित्रकला, ठीक है। तो ये थी कुछ मुख्य चित्रकलाएं बिहार की, जिनके बारे में हम आपको आज बताने के लिए हमने ये सेशन किया था। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करनी थी कि अगर आप सभी लोग बीपीएससी परीक्षा 2020 टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें आपकी सहायता करने के लिए ग्रेड अप सुपर आपके लिए लाया है, बीपीएससी 2020 क्रैश कोर्स फॉर प्रीलिम्स, है ना। इसमें आपको 115 घंटे लाइव क्लास, 115 प्लस पीडीएफ, 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, 10 मॉक टेस्ट प्लस 9 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको इतना कुछ मिलने वाला है। उसके अलावा ये फैकल्टीज हैं जो आपको पढ़ाएंगी, जिनमें राजेश यादव सर, हर्षल उपाध्याय सर, वारिस सिद्दीकी सर, वसु कटारा सर, मैं अभिषेक बघेल, हिमानी सूरी मैम और पंकज बर्मन सर जो हैं आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको ग्रेड अप सुपर को सब्सक्राइब करना है। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे इसके सब्सक्रिप्शन है, लाइक 3600, 5100, 6600 या एक मंथ का 2000 रुपीज का है। तो आप सब्सक्रिप्शन लेके जो है इतनी सारी चीजें फ्री में ले सकते हैं। इनके अलावा ग्रेड अप ऐप पे स्पेशली फ्री क्लासेस भी चल रही है डेली लेवल पे, जिसमें डेली 11 सुबह 11 बजे बिहार पुलिस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला चल रही है,
शाम को 5 बजे मिशन बीपीएससी 2020 स्कोर 110 इन प्रीलिम्स एग्जाम सीरीज चल रही है, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। फिर रोज शाम को 7 बजे राज्य परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर, और 10 PM में एक मिनी सीरीज होती है जिसमें एक टॉपिक को मात्र 5 क्लासेस में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आप इतनी सारी चीजों का एडवांटेज ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग विद मी इन दिस सेशन। वेरी गुड इवनिंग। प्रेप स्मार्ट, स्कोर बेटर, गो ग्रेड अप।